मोहन पार्वती को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। मोहन पार्वती को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। बीसीसीएल हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। बीसीसीएल हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। जो हमारे पार्वती कुमारी, जो हम लोग की बहन झारखंड की, जो गई थी अपने हक अधिकार के लिए बीसीसीएल ऑफिस अपने पिताजी के लिए कुछ बात करने, और जब वहाँ से उसका हक क्या मिलेगा उसका मालूम चला, वहाँ पे उसका लाश बाहर आया उस बीसीसीएल ऑफिस से। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कहीं पे लोग नौकरी मांगने जाता है, अपना हक मांगने जाता है, और इस तरह का हत्या होता है। तो हमारे माताएँ बहनें चाहे झारखंड के लोग कितने सुरक्षित हैं आप सोच सकते हैं। तो आप लोग की क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि इसका निष्पक्ष जाँच हो, और जो भी दोषी है इस हत्या में उस पर एकदम सख्त सख्त कार्रवाई हो, उसको फांसी पे लटकाया जाए, तभी हम लोग का मन को शांति मिलेगा, इस झारखंड का बेटी की आत्मा को शांति मिलेगा। इस संबंध में क्या सरकार से या कुछ उच्च अधिकारियों से बात हुई है आप लोग की अभी तक? सरकार तो अपना स्तर पर कुछ ना कुछ काम कर रहा है, मगर लिपा पोती कर रहा है। आप देखे होंगे कि आज पेपर के माध्यम से भी कि इसका लाश को बर्फ में रखकर इसका जो घर वाले लोग हैं न्याय मांग रहे हैं, मगर अभी तक कोई किसी तरह का न्याय इनको नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हैं सरकार कितना तत्परता से काम कर रही है। इसलिए सरकार कैसे ढुलमिल नीति से काम नहीं चलेगा, जितना जल्दी हो इसको न्याय मिलना चाहिए, तभी हमारे युवा साथी को भी आज जो इतना उग्र आंदोलन, जो इतना हम लोग मोमबत्ती जला रहे हैं, तो इसी मांग को लेकर कर रहे हैं कि न्याय जल्द से जल्द मिले। बीसीसीएल के एबी एरिया के जीएम कार्यालय से हमारे जो बहन पार्वती का हत्या की गई है, उसका आज 5 दिन बीत गया, लेकिन आज तक ना हत्या का पता किया गया है। सौ अभी वही मौजूद है और ये सरकार चुप्पी है, प्रशासन इसको लिपापोती करने में लगी हुई है। इसलिए आज हम लोग राजधानी रांची के बूटी मोड़ के सड़क पर उतर के कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल जाँच कराकर दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजकर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए, अन्यथा ये बहुत उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। जैसा कि बता रहे 5 दिन हो गया है, अभी तक वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ गया होगा? सब साफ साफ आँख के आंखों देखा ये हत्या है। उसके पापा फकीर चंद्र महतो जी को निलंबित कर दिया था नौकरी को, वही निवेदन आवेदन करने गई थी हमारी बहन, लेकिन उसका आवेदन निवेदन करने कर किया हुआ इतना बड़ा गुनाह साबित हुआ कि कोयला यहाँ काल साबित हो गया और कब्र में बदल गया, और हमारा कैसे ऐसे अनेकों बहन का जान चला जा रहा है। और आज 5 दिन बीतने के बावजूद जो है कि यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार पूरी तरह चुप्पी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सब चीज़ आंखों देखा कि ये हत्या है, हत्या, इसको झूठ मूठ का इसको फांसी पार्वती बहन नहीं ली है। ये जो दिखा रहा है प्रथम दृष्टिया बता रहा है इसका फोटो, ये कतई जो है कि आत्महत्या नहीं है, ये पूर्ण रूप से ये हत्या है और हत्यारा को बचाया जा रहा है। कोयला माफियाओं का राज चल रहा है यहाँ, कोयला माफियाओं का गुंडागर्दी चल रहा है, ये झारखंडियों के लिए दुर्भाग्य है, झारखंडी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत दुख के साथ आज व्यक्त करना पड़ रहा है ये बात कि आज 5 दिन बीतने के बावजूद भी हम लोग अपना बहन का दाह संस्कार नहीं कर पाए हैं। ऐसा झारखंड के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है जो ये सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, हेमंत सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। आज बूटी मोड़ चौक में आज कैंडल मार्च निकाला गया बहन पार्वती कुमारी के मृणमल हत्या के विरोध में। जो जीएम बीसीसीएल के जो जीएम हैं वो हत्या किए हैं, ये साफ साफ जो उजागर हो रहा है। निरंतर हर झारखंडी ये चाह रहा है कि बहन पार्वती का जो हत्यारा है उसे फांसी का सजा हो, निर्मल जांच हो। और झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि जो इस तरह से झारखंडियों से परेशान किया जा रहा है और निर्मल हत्या करके उसे आत्महत्या का नाम दे रहा है, ये बहुत बड़ी गलत है। जिस तरह से आज झारखंडी पल पल घूट घूट करके मर रहे हैं, बीसीसीआई अपना पॉकेट भर रही है और हमारा झारखंडी मर रहे हैं, ये निर्मल हत्या है, पूरी तरह से हत्या है। और इस हत्या के विरोध में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। अगर झारखंड सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कराती है तो उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम तक भी करेंगे।